सो हेलो इज वेलकम बैक टू एन अकेडमी वन ऑफ़ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अक्रॉस इंडिया जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो अभी तक अगर ऐप डाउनलोड नहीं की है तो गाइज डू कंसिडरिंग टू डाउनलोडिंग द ऐप बिकॉज ऐप से आप जो है वो बहुत ही इम्पॉटेंट चीज़ें कर पाएंगे जैसे कि आप जुड़ पाएंगे एजुकेटर्स के साथ वो भी एकदम फ्री और साथ ही साथ एक्सप्लोर कर सकेंगे जितने भी फ्री कोर्सेज़ हैं अन अकेडमी पर अवेलेबल अभी तक अगर मेरे को डाउ मेरे को जो है वो फॉलो नहीं किया है अभी तक अगर मेरे को फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो उससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती जाएंगी और आप जो है उनको उसमें से पढ़ सकते हो अगर ऐप डाउनलोड कर ली है तो गाइज टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ जिससे आपको छोटी से छोटी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी और साथ ही साथ आप अपडेटेड रहेंगे और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में गई बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में अवेलेबल है और आप जो है आपको बार बार हर जगह जाने की जरूरत नहीं आप एक ही स्टॉप पर सभी एजुकेटर्स के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं इस चीज़ का अगर टेन परसेंट का डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड वो है बी के सर जो कि फ्लैश भी हो रहा है उसका कोड का इस्तेमाल करने से आपको टेन परसेंट का अतिरिक्त एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा तो अगर चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्टैटिक जी के जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है Uh, किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स जो हैं वो आपको याद रखने पड़ते हैं तो उन फैक्ट्स को जो है वो हम आज जो है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे फैक्ट्स को पढ़ेंगे और अपना जो भी कार्यक्रम है वो स्टार्ट करेंगे तो आज हम जो फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड जितनी भी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ हुई हैं किसने डिस्कवर किया है और जो है वो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो सारी की सारी आज हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लेक्चर ये होने वाला है तो आप जो है वो लोग क्या कर रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये कम्युनिटी जो है वो हमारी बड़ी से बड़ी हो सके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है शेयर करना बिकॉज शेयर करोगे तो कम्युनिटी बड़ी होगी तो इंटरेक्शन में भी गई बहुत मजा आने वाला है और ये फ्री प्लेटफॉर्म का फायदा सभी को मिलना चाहिए ंग यू फॉर शेयरिंग दिस ओके तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट डिस्कवरी से दैट इज एडिंग मशीन अब देखो यार एडिंग मशीन क्या होता है बेसिकली एडिंग मशीन इज अ टाइप ऑफ कैलक्यूलेटर एडिंग मशीन इज अ टाइप ऑफ कैलक्यूलेटर जहाँ पे आप जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो शुरुआत में जब कैलकुलेटर बना था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज उसमें था दैट इज ओनली एंड ओनली एडिशन उसके बाद जो पर्पज आया है वो अलग अलग पर्पज आए हैं बट जो फर्स्ट पर्पज था कैलकुलेशन का दैट इज फॉर एडिशन और वो बनाया था आपके लुइस पास्कल ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरोप्लेन सभी जानते हैं इट इज इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड बाय राइट ब्रदर्स ओलिवर राइट एंड विलिबर राइट जो है वो ब्रदर्स थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है एयर कंडीशनर आप घरों में ए सी में जो सोते हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी किसने डिस्कवर किया विलिस कैरियर ने विलिस कैरियर ने जो है वो डिस्कवर किया था आपका ए सी एनिमोमीटर एनिमोमीटर द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ विंड वो डिस्कवर किया था आपके लियॉन बतीस्ता एल्बर्टी ने ठीक है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एयरब्रेक एयरब्रेक जो है वो देखो इस सेशन uh, का आप स्क्रीन शॉट अपने पास सेव भी कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है ये चीज़ और अगर आप सेव कर लेते हैं तो आप फर्दर भी इसको जो है वो पढ़ सकते हैं ठीक है एनिमोमीटर उसके बाद आता है एयर ब्रेक एयर ब्रेक किसने यूज किसने सबसे सबसे पहले डिस्कवर किया था, था। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस जॉर्ज वेस्टिंग हाउस हा। ने जो है वो सबसे पहले किया था उसके बाद एटम बम एटम बम जो कि परमाणु बम भी जिसको आप बोलते हो आ, यूज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब यूएसए से ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो है वो ये घिराए थे और उसका डिस्कवरी जो है वो किसने किया है जूलियस रॉबर्ट ऑपरमियर ठीक है बॉल पिन पॉइंट अब देखो यहां पे बॉल पिन पॉइंट बॉल पेन जेल पेन आपका अलग होता है बॉल पेन अलग होता है जेल पेन अलग होता है और आपका फाउंटेन पेन जो है वो अलग होता है तो ये थोड़ा सा जो है वो इसमें ध्यान रखिएगा ठीक है पेन इसमें बहुत बार बोलता जॉन लाउड जॉन लाउड ने आपके बॉल पेन पॉइंट को डिस्कवर किया था नेक्स्ट इज योर बैरोमीटर बैरोमीटर इज यू डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ठीक है ना तो ये किया था आपके टॉर्सिली ने टॉर्सिली एक्सपेरिमेंट भी है क्लास इलेवेंथ में आप पढ़ सकते हैं ठीक है टॉर्सली ने डिस्कवर किया था आपके आ, प्रेशर की एक डिवाइस को जिससे आप प्रेशर मेजर कर सकते हो दैट इज योर बैरोमीटर और प्रेशर का एक यूनिट भी है ऐसा यूनिट तो इसका बार है बट आप इसके एक और यूनिट को भी जानते होंगे अगर हमने पढ़ा दैट इज टॉर टॉर बोलते हैं वो किसके नाम पर बना है वो टॉर्सली के नाम पर बना है ओके नेक्स्ट इज योर बाईसाइकिल बाईसाइकिल जो है वो दो पहियों वाली जो है वो गाड़ी जिसको बोलते हो आप बाईसाइकिल उसको डिस्कवर किया था आपके मैकमिलन ने तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप एक इंडिविजुअल में चार टाइप के मेनली ब्लड ग्रुप हैं ए बी ए बी एंड ओ ये किसने डिस्कवर किया सबसे पहले तो कार्ल कार्ल कार्लैंडिस्टर ने जो है वो सबसे पहले जो वो ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप्स को जो है वो डिस्कवर किया था ब्रेल लुई ब्रेल ने इसको डिस ब्रेल इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू रीड विच इज यूज फॉर रीडिंग पर्पज फॉर फिजिकली एबल्ड इंडिविजुअल हु कांट सी फ्रॉम देअर आईज इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जो लोग जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते उन लोगों के लिए एक डिवाइस बनाई गई दैट इज कॉल ब्रेल डिवाइस दैट इज डिस्कवर्ड बाई योर लुई ब्रेर बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले कहा किसने डिस्कवर किया तो दैट इज योर एंटोन वॉन लुएन हिक लुन हिक ने सबसे पहले जो है वो किया था कैलकुलेटिंग मशीन आप देखो कैलकुलेटिंग देखो एडिंग मशीन भी सबसे पहले पास करें और कैलकुलेटिंग मशीन जिसमें सब कैलकुलेशन हम तो कर सकते हैं दैट इज एक ऐसे टाइप का स्केल जिसमें आप जो है वो सेंटीग्रेड नाप सकते हो टेम्परेचर नाप सकते हो इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस जिसमें आप नाप सकते हो तो वो आपके डिस्कवर किया था एंड्रिस सेल्शियस ने ठीक है ना कंप्यूटर कंप्यूटर सबसे पहले डिस्कवर किया था चार्ल्स बेबेज ने चार्ल्स बेबेज वाज आल्सो चार्ल्सो द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड ही आल्सो डिस्कवर्ड योर कंप्यूटर सीमेंट सीमेंट जो आप घरों पे यूज करते हो फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज इट इज वाज डिस्कवर्ड बाय योर जोसफ एस्पदीन कैल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की ब्लड हमारे अंदर जो है वो सर्कुलेट करता है ओके okay. वो सबसे पहले डिस्कवर किया था विलियम हेवरी ने सेंटीग्रेड स्केल फिर से वही आ गया डीजल इंजन डीजल इंजन जो है देखो दो टाइप के इंजन हो तीन टाइप के इंजन होते हैं बेसिकली पहले पेट्रोल होता था स्टीम होता था डीजल होता था तो जो डीजल इंजन है वो आपका डिस्कवर किया था रुडोल्फ डीजल ने रुडोल्फ डीजल नेक्स्ट इज योर डायनामाइट डायनामाइट व्हिच इज यूज्ड फॉर ऑफनली यू नो ब्रेक द बिग पोल्डर्स और बिग रॉक्स इन इन टर्म्स ऑफ इन ऑर्डर टू माइन समथिंग फ्रॉम इट माइनिंग में यूज़ होता है आपका डायनामाइट उसको यूज उसको जो है वो डिस्कवर किया था एल्फर्ड नोबेल ने और एल्फर्ड नोबेल के नाम पे ही नोबेल प्राइज दिया जाता है एंड एल्फर्ड नोबेल इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंडिविजुअल जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था नेक्स्ट इज़ योर इलेक्ट्रिक बैटरी इलेक्ट्रिक बैटरी जो आप घरों में यूज़ करते हो बैटरीज वो किसने बनाई थी सबसे पहले तो एल्डेंस्ट्रो वोल्टा वोल्टा और इसी के नाम पे जो है वो वोल्ट का साइन जो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट वो भी इनके नाम पे दिया गया था नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर की थी सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले जो हो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो डिस्कवर किया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ये चीज बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड वी हैव राइट नाउ ओके और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल Present in your atom. Actually, there are three subatomic uh, particles named as electron, proton, and neutron. Electron has a negative charge. Proton has a uh, positive charge, and your neutron has a zero or you called it as neutral charge. And your electron was discovered by J.J. J. thompson Electric generator. Electric generator is a device which is convert, which is used to convert the mechanical energy into द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट जो करता है वो है आपका इलेक्ट्रिकल नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमस एल्वा एडिसन इलेक्ट्रिकल आयरन इलेक्ट्रिकल आयरन एक लोहे की रॉड नहीं है इलेक्ट्रिकल आयरन इज योर द आयरन फॉर विच आप कपड़े जिससे इस्त्री करते हो या प्रेस करते हो उसको बोला जाता है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय हैनरी डब्ल्यू सिले नेक्स्ट इज योर फाउंटेन पेन आप देखो फाउंटेन पेन इज डिफरेंट और तुम्हारा बॉल पिन पॉइंट इज डिफरेंट फाउंटेन पेन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस एडसन वॉटरमैन ठीक है नेक्स्ट इज योर फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर ऑप्टिक्स के बहुत ज्यादा यूज हैं आपकी जो जितनी भी केबल्स होती हैं आजकल उनमें सब में फाइबर ऑप्टिक्स डलता है फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं वो वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिससे लॉसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और तुम्हारी जितनी भी वाईफाई की केबल्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स ओके एंड ऑप्टिकल फाइबर इज डिस्कवर्ड बाय नरेंद्र सिंह कंपनी ठीक है ना नेक्स्ट इज इंसुल इंसुलिन इज़ अ टाइप ऑफ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूज इन आवर बॉडी और जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं जिनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता आ, उनको डायबिटीज मलाइटस नामक एक डिजीज़ है जिसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं सिंपल भाषा में वो हो जाती है और योर इंसुलिन इज़ डिस्कवर्ड बाई सर फेडरिक ग्रैंड बैंटिंग नेक्स्ट इज योर जेट इंजन जेट इंजन जो होता है सामने से पता चल रहा है द द इंजन इन जेट्स इज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक विटल नेक्स्ट इज योर लिफ्ट और एलिवेटर जिसमें आप ऊपर ट्रेवल करते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लिफ्ट जो होती है एलिवेटर जो होते हैं उनमें दिस इज डिस्कवर्ड बाय एलिसा ओटिस नेक्स्ट इज योर लाइटनिंग कंडक्टर लाइटनिंग कंडक्टर मतलब कि जिस जो ऐसा एक मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास करवा सके दैट इज़ योर लाइटनिंग कंडक्टर एंड इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय जेम्स फ्रैंकलिन हु डिस्कवर्ड योर इलेक्ट्रिसिटी Okay, next is your microscope. Microscope is a instrument which is used for magnifying the very small objects which we can't uh, see from our naked eyes. That is discovered by your Zachary jennison Next is your neutron. Neutron is your uh, what we call as the neutral particle present in the atom, and it was discovered by James Chadwick. ठीक है नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियर रिएक्टर वैसे जो प्रोटॉन है वो मैं बता देता हूँ ई गोल्सटिन ने डिस्कवर किया था जी जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन uh, किया था ई e. गोल्सटिन ने जो है वो uh, आपका प्रोटॉन किया था और चैडविक ने जो है आपका न्यूट्रॉन किया था नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज फॉर यू नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाई यूजिंग द न्यूक्लियस ओके एंड दैट इज डिस्कवर्ड बाई योर एनरिको फर्मी नेक्स्ट इज पेपर क्लिप्स पेपर क्लिप्स आपने सबने देखी होंगी हाउस होल्ड में यूज होती हैं एंड फॉर स्टेशनरी पर्पज इज इट इज ऑल्सो यूज एंड इट वॉज एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जोहान वेलर जोहान वैलर ने जो है वो डिस्कवर किया था तुम्हारा पेपर क्लिप्स को एंड नेक्स्ट इज पेंसीन पेंसिलीन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेग्जेंडा फ्लमिंग पेंसिलीन वॉज डिस्कवर्ड बाय Alexander Fleming okay penicillin is a type of antibiotic which is used during the first world war I think and it was uh, derived from a plant called penicillinium okay. penicillinium is derived it and this was called as this was discovered by your Alexander Fleming and it was actually an antibiotic okay. and uh, father of antibiotics is also referred as Alexander Fleming okay नेक्स्ट इज योर पियानो पियानो जो एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आपके डिस्कवर किया था बामियो क्रिस्ॉरी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ठीक है नेक्स्ट इज योर रमन इफेक्ट रमन इफेक्ट जो था एक इफेक्ट था जो कि स्केटरिंग ऑफ लाइट से जो है वो मिलता जुलता इफेक्ट था एंड इसके लिए साइंटिस्ट uh, को इन साइंटिस्ट को जिनका नाम अभी लेने जा रहा हूं दैट इज सी वी रमन इनको नोबेल प्राइज में मिला था नेक्स्ट इज योर रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी रेज जो है एमिट करते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल बाई योर हैंनरी बैक्रुल ठीक है Becquist, ना इसीलिए रेडियो एक्टिविटी का यूनिट भी बैक्रुल होता है ठीक है नेक्स्ट इज योर रिवॉल्वर रिवॉल्वर इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज इन एम्यशन इन आर्मरी ओके रिवॉल्वर जिसमें छह गोलियां बढ़ती दाएं दाएं इसको चलाते हैं ठीक है ना रिवॉल्वर इज डिस्कवर्ड बाई सैम्यूल कॉल्ट ठीक है ना नेक्स्ट इज रिक्टर स्केल रिक्टर स्केल इज द डिवाइस इज द स्केल इज द इंस्ट्रूमेंट यू कॉल इट एज विच इज विच इज यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी और यू कैन यू कैन कॉल इट एज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इट इज डिस्कवर्ड बाई योर चार्ल्स रिक्टर उनके नाम पे ही इसको बना था Next is your safety pin safety pin is actually used by the uh, you know girls or women's mostly uh, first uh, in order to you know have a stitch on their cloth they can temporary the stitch okay and it is used by and it is used uh, for many purposes also okay and that was discovered by your वॉल्टर हंट वॉल्टर हंट ओके नेक्स्ट इज यूर स्विंग मशीन जैसे कपड़े आप सिलते हो वो मशीन यूज की थी आपके अल्यास होवे अल्यास होवे ने जो है वो डिस्कवर किए थी आपकी स्वइंग मशीन नेक्स्ट इज योर स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन और ये सबसे पहली वैक्सीनेशन थी वर्ल्ड में दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई योर एडवर्ड जेनर एंड इट इज एंड ही वॉज ऑल्सो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन नेक्स्ट इज योर वॉट स्टीम इंजन स्टीम इंजन जो पहले पहले यूज होते थे इन ऑर्डर टू रन द ट्रेन बिकॉज इट वर्कस ऑन द स्टीम पर्पज एंड वो आपका सबसे पहले जो डिस्कवर किया था दैट वॉज द साइंटिस्ट कॉल्ड एज जेम्स वॉट नेक्स्ट इज योर स्टेथोस्कोप स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज मोस्टली बाय द डॉक्टर्स विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द हार्ट बीट फ्रॉम द पेशेंट ओके पेशेंट से वो हार्ट बीट डिटेक्ट करता है और इसको यूज़ करते हैं डॉक्टर्स मोस्टली तो इसने किसने डिस्कवर किया था इसको डिस्कवर किया था रैने लैनक ने रैने लनक structure of your DNA DNA is a type of your genetic material which is present inside your body and the full form of DNA is di deoxyribonucleic acid and that was discovered by the two scientists Unke a theory bhi hai, theory bhi di thi. that was known as watson Crick theory and the names of scientists are James Watson, uh, Watson and Francis Crick okay? स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील इज अ टाइप ऑफ अलॉय जो कि हाउस होल्ड में और, और ज़्यादा फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है दैट वॉज यूर डिस्कवर्ड बाय हैंनरी बियरले ठीक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज अ स्टडी विच वी यूजली यू नो लर्न इन इन बायोलॉजी और एवोल्यूशन इन्होंने किया था कि इवॉल्व करती हैं स्पीशीज टाइम टू टाइम स्पीशीज जो होती हैं दे हैव टू इवॉल्व दे हैव टू अडेप्ट सर्टन कंडीशन विच आर अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है ना तो वो जो हैं उन उन्होंने जो थ्योरी दी थी दैट द थ्योरी वॉज गिवन बाय द चार्ल्स टाविन एंड ही इज ऑल्सो दल्सो यू नो 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 ही द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज समथिंग एल्स वो कोई और है एक मिनट फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ऑल्सो चार्ज्स डाविन एस यस ये सॉरी सॉरी फादर ऑफ जेनेटिक्स इज चार्ल्स डाविन अच्छा टेलीस्कोप टेलीस्कोप इज़ ऑल्सो अ डिवाइस विच इज़ यूज टू यू नो आई सी द सेलेस्टियल बॉडीज विच आर वेरी 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 फार अवे फ्रॉम अस लाइक स्टार्स और प्लेनेट्स एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई हैंड लिफर से नैक्स्ट इज योर टेलीफोन टेलीफोन जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको विच इज़ यूज टू यू नो फॉर इंडिविजुअल्स टू टॉक विद द अदर पीपल ठीक है वाया केबल्स और वो आपका डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने नैक्स्ट इज योर टेलीविजन जो आपके सबके घरों पर होगा दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई जॉन लोगी बेर्ड नेक्स्ट इज योर टेलीग्राफ जिससे लोग पहले मैसेज पहुँचाते थे एक जगह से दूसरी जगह दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई सैमुअल मॉर्स नेक्स्ट इज अ टाइप राइटर बहुत ही पहले यूज होने वाली एक मशीन जिससे आप टाइप करते थे बेसिकली टाइपिंग के लिए ही बनाया जाता था जिसमें एक सिंपल सा कीबोर्ड था आप उसमें पेपर डालते थे टाइप करते थे वो प्रिंटेड फॉर्म में ही बाहर जो है वो निकलता आजकल तो फोटोशेट मशीन आ गई हैं कि आप किसी चीज़ को भी प्रिंट प्रिंट जिसका किसी का भी निकलवा सकते हो तो टाइपराइटर इज यू टाइप राइटर इज डिस्कवर्ड बाई योर क्रिस्टोफर स्कोल्स नेक्स्ट इज योर वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग इन द फिजिक्स क्लास इलेवन ट्वेल्थ में अगर आपने फिजिक्स रखी होगी तो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है ठीक है वर्नियर कैलेपर का एंड वर्नियर कैलेपर जो है इट इज़ यूज टू मेजर वेरी 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 स्मॉल लेंथ्स, वेरी स्मॉल जिनका रेडियस जो है वो बहुत छोटा होता है फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को नापने के लिए होता है ठीक है जिनका रेडियस बहुत ज़्यादा कम होता है ठीक है ओके जिसको आप स्केल से नहीं नाप सकते ठीक है ठेके?

तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ये हमने एटलीस्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेल्थीन एटीन ट्वेंटी सिक्स डिस्कवरी ऑलमोस्ट हमने पढ़ी है आई होप ये आपको बहुत बेनिफिट देंगी आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में ऐसी ही जो है वो रैपिड सीरीज हमने ये चलाएंगे जो कि आपके सारी स्टैटिक पोर्शन को कवर कर देगी आपको क्या करना है आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जितने भी एस्पायरेंट्स को एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना है और इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पढ़ें बिकॉज आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन हमेशा जो है वो अधूरा रह जाता है बिकॉज आपको टाइम नहीं मिलता मैंने आपके लिए जो पूरी की पूरी रैपिड सीरीज बनाई है जहाँ पर आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर होगा फ्रॉम टिल देन दिस इज साइनिंग ऑफ मिलते हैं अगले लेक्चर में जो होगा दस बज के पाँच मिनट पे प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा Thank you so much. Thank you for being here. Thank you so much. What do you mean?